Now, अब हमें इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक अभी देखना है, फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन फॉर ए स्ट्रेट स्ट्रिंग। नाउ अब हमें एक स्ट्रिंग लेना है, जैसे कि मैंने यहां पे शो किया है, ये एक स्ट्रिंग है जिसको आपने स्ट्रेच करना है, टाइटली रिजिडली आपको फिक्स करना है उसको बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। ये देखिए मैंने दो एंड में दो रिजिड सपोर्ट लिए, ये दोनों रिजिड सपोर्ट है, यहां पे आप इसको ऐसे शो करें, ये आपका रिजिड सपोर्ट और ये आपका स्ट्रिंग। ना अगर आपने इसको प्लग किया राइट एंगल टू इट्स लेंथ, यानी स्ट्रिंग की लेंथ को अगर आपने परपेंडिकुलरली अगर नीचे की तरफ प्लग किया और यहां से अगर आपने इसको रिलीज कर दिया स्ट्रिंग को, इफ वी प्लग द स्ट्रिंग राइट एंगल टू इट्स लेंथ, मतलब स्ट्रिंग के लेंथ को परपेंडिकुलरली अगर आपने प्लग किया और उसको रिलीज कर दिया, तो यहां पर इस स्ट्रिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। और मैं आपको बता चुका हूं कि स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव अभी इसमें ट्रैवल करेगी लाइक दिस, यहां से इधर भी, ठीक है। ये आपका प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव जो ट्रैवल कर रहा है अप टू टू रिजिड सपोर्ट, दो रिजिड सपोर्ट तक ये ट्रैवल करेगा। अब रिजिड सपोर्ट के पास आने के बाद में ये दोनों एंड से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसी स्ट्रिंग में फिर यहां पर क्या दिखेगा आपको, यहां पर आपको दिखेगा रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव दिखेगा, और दोनों वेव अलोंग ए स्ट्रिंग ही है, मतलब यहां पर जो फॉर्म होगा वो रहेगा आपका स्टेशनरी वेव। मतलब हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया और उसको दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स कर दिया। नाउ अभी हमने इसको सेंटर से परपेंडिकुलर टू लेंथ इसको नीचे की तरफ प्लग किया एंड रिलीज किया, जिससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए अलोंग द स्ट्रिंग, और यही वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट होंगे वो भी अलोंग द स्ट्रिंग, यानी सेम पाथ पे दो प्रोग्रेसिव वेव्स होंगी और उनको इंटरफेयर करने की वजह से क्या बनेगा, स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे अभी, कंसीडर ए स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट टू रिजिड सपोर्ट, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में आपने एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, उसके बाद में आपने क्या किया है, उस स्ट्रेच स्ट्रिंग को प्लग किया है, मतलब डाउनवर्ड नीचे की तरफ आपने उसको खींचा है और उसको रिलीज कर दिया। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट ए स्ट्रिंग इज प्लग एट राइट एंगल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव इज फॉर्म। ये ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव फॉर्म हो गई। अब ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव इस स्ट्रिंग में ट्रेवल करेगी जो कि रिजिड सपोर्ट पे पहुंचने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वहां पर दूसरा वेव दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन से, दैट इज रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव एट रिजिड सपोर्ट, दिस वेव गेट रिफ्लेक्टेड and due to interference between
टू प्रोग्रेसिव वेव, ए स्टेशनरी वेव इज फॉर्म, ए स्टेशनरी वेव इज फॉर्म। ठीक है, सो ये हो गया स्टेशनरी वेव। स्ट्रेच स्ट्रिंग में कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में मैंने अभी यहां पर लिख दिया। ठीक है, मतलब स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही है तो यहां पे आपको वेलोसिटी जो है वो पता चलेगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ए वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन बाय, उसका एक फॉर्मूला बनेगा v इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन एम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने डायरेक्टली यूज करना है, v इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन एम, वेयर v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशंस इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, उसके बाद में T जो है दैट इज टेंशन अप्लाइड टू दिस स्ट्रिंग, और उसके बाद में है M दैट इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन, मतलब जो वाइब्रेशन स्ट्रेच स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होंगे उस स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे उसका वेलोसिटी जो है v इक्वल्स टू अंडर रूट t अपॉन m। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ये है हमारा टॉपिक फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन फॉर ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब इसके बाद में यहां पर अभी हम बोर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर वाइब्रेशंस इन ए स्ट्रेच। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेच स्प्रिंग है उसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये अभी हमें यहां पर जानना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल स्प्रिंग लेंगे। ठीक है, ये स्प्रिंग को एंड पे दो रिजिड सपोर्ट लगाएंगे। ठीक है, ये आपके दो रिजिड सपोर्ट हो गए, दिस वन। ठीक है, अब इस स्प्रिंग को सेंटर में से प्लग करेंगे राइट एंगल टू इट्स लेंथ, जिससे इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और एक क्लोज लूप यहां पर फॉर्म होगा लाइक दिस। ठीक है, यहां पर एक ऐसा क्लोज लूप फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये जो क्लोज लूप फॉर्म हो गया तो यहां पर रिजिड सपोर्ट के पास कौन सा पॉइंट बनेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला। ठीक है, क्योंकि क्लोज लूप दो एंड दो नोड के बीच में बनता है। ठीक है, और नोड पे एम्पलीट्यूड मिनिमम रहता है। ठीक है, और सेंटर में यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा, तो यहां पर इस पॉइंट को हम कहेंगे एंटीनोड। और यहां पे ये जो है ये आपका होगा लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग। अब हमें यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, कंसीडर ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। आपने एक स्ट्रिंग लिया जो कि आपने स्ट्रेच किया हुआ है बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। फिर आपने उस स्ट्रिंग को प्लग किया है एट द सेंटर, उससे यहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। लेट ए स्ट्रिंग
इज प्लक एट सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लेंथ को परपेंडिकुलरली आपने प्लक किया एंड उसको रिलीज कर दिया. ए स्टेशनरी वेव, ए स्टेशनरी वेव इज फॉर्म हैविंग ए सिंगल लूप. ठीक है, मतलब यहां पर एक ही सिंगल लूप फॉर्म हुआ है और स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई है. ठीक है, सो नाउ यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, लेट मान लीजिए एल क्या है आपका लेंथ ऑफ, लेंथ यहां पर अभी हमें लेना है लेंथ किसका, स्ट्रिंग का. उसके बाद में एन आपने लेना है यहां पर, एन क्या है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. उसके बाद में आपने लैम्डा लेना है, लैम्डा क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं वेवलेंथ ऑफ वेव. और उसके बाद में फाइनली आपने लेना है वेलोसिटी ऑफ वेव. ठीक है, एल यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उसके बाद एन ये जो वाइब्रेशन हो रहा है उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, वाइब्रेशन में जो वेवलेंथ आएगा उसके लिए लैम्डा और जो वेव का वेलोसिटी है उसके लिए आपको यहां पर लिखना है वी. ठीक है, नाउ अब इसके बाद में नाउ वेलोसिटी का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग is given by आप वो रिलेशन जानते हैं, वो वहां पे लिखा हुआ है v equals to under root t upon m. This is your equation number one. And एक रिलेशन मैं आपको बता चुका हूं that is v equals to n lambda. This is your equation number two. ठीक है, दोनों इक्वेशन जो है वेलोसिटी के ही इक्वेशन. Therefore, from equation 1 and equation 2, आपको क्या मिलेगा यहां पर, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को आप इक्वेट करिए तो यहां पर क्या आएगा, राइट हैंड साइड को अगर आपने इक्वेट किया तो therefore n lambda equals to under root t upon m. अब आपने ये lambda को इधर लाना है, so therefore n equals to 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा रेसिप्रोकल में जाएगा अंडर रूट टी अपॉन एम. ठीक है, एंड दिस इज द रिलेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग. ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन हुआ जो आपको यहां पर ध्यान में रखना है. दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग. जब भी वाइब्रेशन होता है और स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है और एक सिंगल क्लोज लूप अगर फॉर्म होता है तब हम उसको कहते हैं फंडामेंटल मोड, जैसे कि यहां पर है. ठीक है, और फंडामेंटल मोड में जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा हम उसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है. सो दिस इज अवर टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग.